नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। बिहार में पिछले 15 दिनों में ही 11 पुल ढह गए हैं। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव डबल इंजन की सरकार की विफलता की ओर इशारा कर रहे हैं, तो सत्ताधारी दल भी पुराना इतिहास याद दिला रहा है। ताजा कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक सवाल के जवाब में कहा, जो लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार लूटने में लगी है, उनसे पूछना चाहूंगा कि ये निर्माण कार्य किसके समय में हुआ। निर्माण उसी समय हुआ है जिस वक्त यह लोग राजद भी सरकार में थे। उन्होंने आगे कहा कि वो आरोप प्रत्यारोप की सियासत से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और उनकी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कोशिश में है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिसने भी ऐसा किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और डीईओ को निलंबित करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वह भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह से किशनगंज की घटना सामने आई, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। करप्शन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात भी कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जहां पर जो भी भले ही वह निर्माण कार्य को लेकर हो या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो, अधिकारी हो या जो भी व्यक्ति विशेष हो या कोई संगठन हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 15 दिनों में ही बिहार में 12 पुल ढहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि 15 दिन में 12 पुलों का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, सिर्फ 18 महीनों को छोड़ दें तो पूरे समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास ही रहा है। साथ ही बिहार में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। साथ ही यहाँ पर चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जरा देखिए इस वीडियो में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता से समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्मान समारोह है एनडीए का और आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, आज मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी जयंती है। ऐसे में पहले हाजीपुर जाएंगे, आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी मेरे पिता के जयंती समारोह को लेकर हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी एक कार्यक्रम रखा है, पर हम हाजीपुर के कार्यक्रम के बाद दिल्ली जाने के क्रम में अगर संभव हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। हाथरस के कांड को लेकर क्या कहेंगे? तो आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान ने इशारों में नीतीश सरकार पर हमला किया। साथ ही अब ये देखना बाकी होगा कि बिहार में गिर रहे पुलों पर नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।